रूबिका जी, एक रामायण की चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत देखी तीन तैसी। तो ये जो आज योगी आदित्यनाथ जी का बयान आ रहा है, अरे कश्मीर तो स्वर्ग है, भारत का नहीं पूरे संसार का स्वर्ग कहा जाता है, उस स्वर्ग को आप उत्तर प्रदेश में उतार दीजिए। और जो केरल की बात योगी जी कर रहे हैं, तो साक्षरता कितना वहाँ बढ़ा हुआ है, उसको आप उत्तर प्रदेश में लागू करिए। लेकिन नहीं, ये राम रहीम को बाहर लेके आते हैं। नहीं, पर जन्नत रहने का दिया धर्मवीर चौधरी साहब, राम रहीम को ये तो 370 हटा, उसके बाद थोड़े बहुत हालात वहाँ पर ठीक हुए हैं, वरना क्या था? अलावा वहाँ पर आतंकियों के और दिख क्या रहा था, रोज इसी तरीके की खबरें आ रही थी। आप चाहते हैं कि वही हाल जो है उत्तर प्रदेश का हो? मैं यकीन कर सकती हूँ इस बात पर कि धर्मवीर चौधरी कभी नहीं चाहेंगे। वो हाल तो देखिए, वो हाल तो उत्तर प्रदेश का इन्होंने कर दिया। 15,000 से ज्यादा जुडिशियल कस्टडी में लोग मारे गए हैं, और डबल इंजन की सरकार में सबसे ज्यादा किसान और सबसे ज्यादा बॉर्डर पर जवान मारे गए हैं, चाहे वो दंतेवाड़ा हो और चाहे वो पुलवामा हो और चाहे वो बॉर्डर हो। और ये जो 12-15 हजार और जो चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात है, बिल्कुल वही हालात उत्तर प्रदेश में है, इतनी अतिशयोक्ति भी मत कीजिए ना। हाँ, यस, उससे बुरे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल है। हर 2 घंटे के अंदर एक बहन बेटी के साथ में बलात्कार की घटना हो रही है, सैकड़ों व्यापारी मारे गए, सैकड़ों किसान मारे गए। पहली का लड़का जो है वो थार से कुचलने के लिए फिर बाहर आ गया, फिर वो अत्याचार करेगा। पहली नेम्ड FIR में बाहर है, प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहा है टैनी। तो ये राम राज्य नहीं है भूमिका जी, ये रावण राज्य है, ये जंगल राज है। और उत्तर प्रदेश की जनता अब इसको साफ कर देगी, उत्तर प्रदेश की जनता इनको साफ कर देगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये किसान खरपतवार को काट देता है, किसान जो है खरपतवार को काट देगा। अब ये जो खरपतवार उगी हुई है 5 साल की, इसको साफ कर देगा किसान। और इनका सुपड़ा साफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों से हो गया है। एक बात मैं जानती हूँ, आप अपने अपने हिसाब के आंकड़े भले ही रख लें, लेकिन जनता बड़ी समझदार है, वो अच्छे से जानती है किस मुद्दे पर वोट करना है। ABP News आपको रखे आगे।